मुल्क को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए लॉकडाउन को मरकजी हुकूमत ने 4 में से मजीद 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई है। इससे पहले हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक की थी। हुकूमत ने इस मुद्दत में मुख्तलिफ सरगर्मियों को चलाने के लिए नई हिदायत भी जारी की है जो 4 मई से पूरे मुल्क में नाफिज़ुल अमल होंगे। ये हिदायत मुख्तलिफ अजला के रेड ऑरेंज ग्रीन ज़ुमरों में करोना वायरस के इन्फेक्शन के ख़तरे की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं। इनमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले अजला के लिए काफ़ी रियायतें गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता पीर को सभी रियासतों के वज़रा आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की थी। रियासतों ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का मशवरा दिया था। हिंदुस्तान भर में लॉकडाउन का पहला मरहला 25 मार्च था, 14 अप्रैल, दूसरा मरहला 15 अप्रैल था, 3 मई, और तीसरा मरहला 4 मई था, 17 मई। हुकूमत ने इस लॉकडाउन में रियायतें देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने करोना वायरस के लिए 3 ज़ुमरे बनाए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में अशिया ज़रूरिया के अलावा दिगर अशिया के हमल व नकल की इजाज़त रहेगी। एक रियासत में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक रसाई हासिल हो सकती है। इस ज़ुमरे के तहत टैक्सी, कार सर्विस की भी इजाज़त रहेगी, लेकिन एक ड्राइवर और 2 मुसाफिर हों। नए हिदायत नामे में कहा गया है कि तीसरे मरहले के लॉकडाउन तक कोई पैसेंजर एरोप्लेन सर्विस नहीं रहेगी। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस वगैरह की महदूद तौर पर इजाज़त रहेगी। बसों में गुंजाइश का निस्फ मुसाफरीन का लुजुम होगा। रेड जोन में कुछ रियायतें दी गई है, जहां अशिया ज़रूरिया के हमल व नकल की इजाज़त रहेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त नहीं रहेगी। 2 व्हीलर पर एक शख्स को सफ़र करना होगा। हुकूमत ने ज़राई, सनती व तामीरी सरगर्मियों की मशरूत तौर पर इजाज़त दी है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई शोबों को शराइत के मुताबिक खोल दिया गया है। रेड जोन में शहरी हदूद से हटकर तामीराती और छोटे सनतों की इजाज़त रहेगी। मुल्क में ट्रक्स की आमद व रफ्त में कोई रुकावट नहीं रहेगी। रेड जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक तहदीदात बरकरार रहेगी। हुकूमत ने कायद में नरमी से मुतालिक तफसीलात को नए हुक्मनामे में नुमाया किया है। एक तरफ करोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इकदाम जारी है, वहीं रोजगार और मईशियत में रुकावट पैदा ना हो इसके लिए भी नई हिकमत अमली वाजे की गई है। दुनिया में करोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, अमवात भी बढ़ती जा रही है। मरकजी हुकूमत ने दूसरी मरतबा लॉकडाउन की 2 हफ्तों के लिए तौसी कर दी है। वाजे रहे कि निज़ामाबाद को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है।